नमस्कार दोस्तों, डिजी सेवा पे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कैश आउट वेबसाइट के द्वारा कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे जाइए digisevape.co.in। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमको वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पे AEPS लॉगिन दिखेगा। यहाँ पे AEPS लॉगिन क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू न्यू लॉगिन दिखाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाइए। OTP मांगेगा, जो भी हर दिन में एक ही बार मांगता है, बार बार नहीं मांगेगा, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे साइड में आप आके देखोगे तो कैश आउट करके एक ऑप्शन दिखेगा। ये कैश आउट ऑप्शन में आपको क्या करना है, इस तरह कुछ आएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, कैश आउट और वॉलेट ट्रांसफ़र। वॉलेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, जो भी पैसा वॉलेट टू में है आप वन पे भी ट्रांसफ़र करके उसको रिचार्जेस या DMT ट्रांसफ़र कुछ किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो वॉलेट वन में, ठीक है। उसके लिए ये वॉलेट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है। टू में है तो वन में ट्रांसफ़र होगा, ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर कैश आउट सेलेक्ट करोगे, ये जो भी टू में आपका अकाउंट है, अमाउंट है, वो सारा आपके बैंक अकाउंट पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको अकाउंट ऐड करना है, तो वॉलेट टू में आपको कम से कम 20 रुपया रहना है, क्योंकि अकाउंट ऐडिंग के लिए चार्जेस रहेंगे, ठीक है। वो छोड़ के आप बाकी का अमाउंट बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अकाउंट ऐड होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। अगर अभी ऐड किया हो तो फिर कल ही ट्रांजेक्शन कीजिए, उससे पहले ना करिए, ठीक है दोस्तों। तो वॉलेट टू में पैसा कैसे आएगा, वो मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। वो AEPS के द्वारा हम वॉलेट टू में अमाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड अकाउंट दबाइए। ऐड अकाउंट दबाने के बाद ऐड अकाउंट दबाने के बाद इस तरह दिखाएगा। यहाँ पे ऐड अकाउंट दबाइए फिर से। यहाँ पे हमारे सारे डिटेल्स मांगेगा, देखिए बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, ये सारे अकाउंट नंबर और बैंक IFSC कोड, ये सारे मांगता है। और आपके मोबाइल पे OTP भी आएगा, वो OTP देने के बाद इस तरह लिस्ट में अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सबसे ये ऊपर वाले सारे मैं पहले ऐड कर चुका हूँ, इसीलिए वैसे दिखा रहा है, ठीक है। अगर वो एक बार ऐड हो जाएगा ना, यहाँ पे आप फिर से कैश आउट पे आएंगे, जितना पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है वो डालेंगे और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा आपका जो भी अकाउंट एडेड है, ठीक है। और ये आपका नाम आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। आप प्रोसीड मार दीजिए बस IMPS या नेफ्ट देख के। इन दोनों में ही चार्जेस आपको लग जाएंगे, तो चार्जेस भी आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर सक्सेस हो गया तो इसी तरह दिखेगा, अगर फेल हो गया तो भी ऐसा ही दिखाएगा, यहाँ पर फेल्ड दिखेगा, ठीक है। अगर फेल आया होगा तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए और आपके एडमिन को भेज दीजिए, वो कौन सा प्रॉब्लम है वो देख के आपको बता देगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आप अकाउंट ऐड कर सकते हो और कैश आउट भी कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर कोई दिक्कत है तो आपको एक बार जाके वहाँ पे ऑप्शन अपने आप एक्सप्लोर कीजिए। ये देखा आपको समझ में नहीं आया, दूसरी बार देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तब भी आपके एडमिन से पूछ सकते हो या फिर अपने आप ट्राई कीजिए। वॉलेट में पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे आके जो भी ऑप्शन देना है वो सेलेक्ट कर लो, बस आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे रिलेटिव मतलब आपके रिश्तेदार के भी अकाउंट ऐड कर सकते हो, मतलब ये किस तरह ना, आपके पत्नी का या आपके पापा का या आपकी मम्मी का, इनका ऐड कर लीजिए, या आपके भाई का या आपके सबसे बड़े दोस्त का, क्योंकि ना कोई दूसरे व्यक्ति का मत कीजिए, क्योंकि जो भी पैसा है उसके पास जाएगा। अगर वो अच्छे हैं तो हो जाएगा, हमारी फैमिली का होगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी, कोई दूसरा व्यक्ति है तो क्या होगा, वो पैसा देखेगा, दो दिन तीन दिन देखेगा, पैसा आ रहा है मैं निकाल लूँगा। तो ये प्रॉब्लम कभी भी आपको फेस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह का मैं देख चुका हूँ, अगर वो ट्रांसफ़र कर लेता है उसको कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। एक बार ट्रांसफ़र हो गया बस, अगर वो पेंडिंग है या फेल है, आपको अमाउंट वापस नहीं आया है, उसमें हम कुछ कर सकते हैं। अगर उसको सक्सेस हो गया, उसने निकाल दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये देख लीजिए। पर्सनल अकाउंट पे आपके अकाउंट ऐड कर दीजिए, मैक्सिमम सिर्फ आप ही के फैमिली मेम्बर का ऐड कर दीजिए, कोई दूसरा व्यक्ति का मत ऐड करिए,
ठीक है। तो ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।